हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की यूनिट 2, जिसका टाइटल है द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। बबल मीन्स होता है बुलबुला, द स्ट्रॉ मीन्स होती है नली, एंड द शू, शू मीन्स जूता जो आप पैर में पहनते हैं सभी। तो एक बार क्या, ये बुलबुला बबल, ये स्ट्रॉ नली, एंड शू जूता, ये तीनों फ्रेंड होते हैं और एक साथ रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक बार एक बुलबुला एक नली स्ट्रॉ एंड शू एक साथ रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन ये तीनों एक जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं। दे केम टू अ रिवर, तो ये जब जंगल में जाते हैं तो जंगल में ही जाते जाते आगे एक नदी के पास पहुँचते हैं। दे केम टू अ रिवर, एक नदी के पास आ जाते हैं। दे डिड नॉट नाउ हाउ टू क्रॉस इट, अभी नदी के पास आ गए हैं तो अभी सोचते हैं कि हम ये नदी कैसे पार करें, कैसे क्रॉस करें, मतलब नदी के दूसरे पार हम कैसे जाएं। तो द शू सेड, ये जो शू है जूता है, ये बोलता है बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। बबल मतलब बुलबुला तो क्या है, तैरता है, हवा में उड़ता है। तो ये शू बोलता है कि बुलबुले तुम इस पर तैर कर, तुम यहाँ पर तैरोगे तो हम तुम्हारे ऊपर बैठ करके नदी क्रॉस कर लेंगे। तो शू बोलता है नो, शू बोलता है नो नहीं, लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो ये शू ने बोला कि स्ट्रो तुम स्ट्रेच हो जाओ, यानी फैल जाओ, और ये जो नदी है उसके वन बैंक टू अदर, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के और अपने को तुम फैला लो, स्ट्रेच कर लो, तो हम तुम्हारे ऊपर से चलकर क्रॉस कर लेंगे। तब देखो क्या होता है फिर आगे से, ये देखो ये नदी है, ये नदी है, तो ये जो स्ट्रॉ है ना, ये स्ट्रॉ ये इसके ऊपर ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, यहाँ वन कॉर्नर, ये टू कॉर्नर, नदी के बैंक हो गए, तो ये वन बैंक टू अदर बैंक ऐसे क्रॉस कर जाएगी। ओके, तो देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तो हम नदी पार कर सकते हैं। सो इसलिए द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, तो फिर जो स्ट्रॉ थी उसने खुद को स्ट्रेच किया और वह वन बैंक टू अदर पर नदी पर फैल गई। ठीक है, व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, जब स्ट्रॉ ने अपने को स्ट्रेच कर लिया नदी के ऊपर, तो शू ने क्या किया, स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया चलने के लिए, तो वो स्ट्रॉ टूट गई, इट ब्रोक। ठीक है, शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, इट ब्रोक, शू ने स्ट्रॉ पर जंप किया और स्ट्रॉ टूट गई। द शू फेल इन टू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश, जब शू गिर गया पानी, जब ये इसने बहुत दूर से जंप किया शू ने, तो स्ट्रॉ टूट गई। जब स्ट्रॉ टूट जाएगी तो शू जमी क्या पानी में गिर जाएगा छपाक। ये देखो ये स्ट्रॉ थी, ये नदी है, ओके, ये स्ट्रेच किया था इसने स्ट्रॉ को यहाँ से इस कॉर्नर तक, अब ये शू बहुत ज़ोर से जंप किया तो ये टूट गई स्ट्रॉ, तो शू गिर गया इसमें, तो जब गिरेगा तो पानी में से आवाज आएगी छपाक। तो यही ये लाइन है कि शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, इट ब्रोक, द शू फेल इनटू द रिवर विथ अ लाउड स्प्लैश, तो ये तेज छपाक की आवाज़ के साथ में उसमें गिर गया। ओके, अब क्या है, द बबल शू कैन शू, शू को पानी में छपाक गिरते हुए देखकर ये बबल जोर से हंसने लगा। तो ये बोल रहे हैं क्या, द बबल शू कैन शूक विथ लाफ्टर। ओके, ये तेज हंसने लगा और हंसते हंसते बस्ट हो गया। जब ये बबल होता है ना ये, तो ये बहुत तेज हंसने लगा शू को देख करके। ठीक है, तो ये फिर ये क्या है, ये बस्ट हो गया। ओके, क्या देखो आगे। ठीक है, तो ये फट जाता है, बस्ट यानी फट जाता है, बस्ट यानी फटना, तो ये फट जाता है। तो अब देखो इसमें क्या, ये तीन फ्रेंड थे, तो स्ट्रॉ भी टूट गई, ये बबल भी फट गया और ये भी गिर गया पानी में। ठीक है, तो ये एक स्मॉल स्टोरी थी। अब देखो आगे इसमें क्या वर्ड यूज़ किए गए हैं, इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इस स्टोरी में। ये है बैंक, बैंक मीन्स किनारा, किनारा, बबल मीन्स बुलबुला, बस्ट यानी फट जाना, क्रॉस यानी पार करना, नदी क्रॉस करते हैं ना, रोड क्रॉस करते हैं, पार करना, रिवर यानी नदी, शूज़ यानी ये जूते, ए पेयर ऑफ शूज़,
शूज़ यानी जूते, स्प्लैश यानी छपाक, जब कोई चीज़ पानी में गिरती है तो आवाज़ आती है छपाक, ये बना हुआ डायग्राम तो छपाक। अब देखो यहाँ क्या है, लेट्स रीड, इसको रीड करते हैं। आई कैन ब्लो बबल्स, ठीक है, आई कैन ब्लो बबल्स, इसका मतलब क्या है, मैं बुलबुला उड़ा सकता हूँ, बबल यानी बुलबुला, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बुलबुला उड़ा सकता हूँ। आप सब भी बुलबुला उड़ा सकते हो ना, सबको आता है। आई कैन वियर शूज़, मैं जूते पहन सकता हूँ, ठीक है। आगे देखो क्या है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेम द थ्री फ्रेंड्स, इस स्टोरी में तीन फ्रेंड थे, कौन कौन था, बुलबुला, स्ट्रॉ एंड शू, ठीक है। तो बबल, स्ट्रॉ एंड शूज, तो हमारा आंसर हो जाएगा द थ्री फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड दे गो वन डे, एक दिन वे कहाँ गए। तीनों जाते हैं ना, तीनों जाते हैं फॉरेस्ट में, तो हम आंसर लिख देंगे वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। ओके, व्हाट डिड दे वांट टू डू, अब वो फॉरेस्ट में पहुंच गए थे तो उन्हें नदी मिली थी, फिर वो क्या करना चाहते थे, दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर, वो सब क्या करना चाहते थे, क्रॉस करना चाहते थे रिवर को। ओके, तो हम लिख देंगे दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। अब आगे क्वेश्चंस है, हाउ डू यू मेक बबल्स, आप बबल्स कैसे बनाते हो, तो देखो हम क्या आंसर है, वी कैन मेक बबल बाई ब्लोइंग द एयर विद द हॉलो स्ट्रॉ इन द वॉटर, ठीक है। देखो स्ट्रॉ हॉलो होती है ना अंदर से, उसमें कुछ नहीं होता है, खाली होती है, ठीक है। तो हम वाटर में एक लिक्विड होता है उसमें उसको डुबोते हैं एक वायर को और हम एयर निकालते हैं, तो एयर में बबल्स बनते रहते हैं। तो हाउ डू यू मेक बबल्स, ये हम बबल्स बना सकते हैं, वी कैन मेक बबल बाई ब्लोइंग द एयर विद द होलो स्ट्रॉ इन द वॉटर। ओके, वाट डू यू वियर ऑन योर फीट, आप अपने पैर में क्या पहनते हो, पहनते हो ना पैर में, तो देखो क्या क्या पहनते हो, आई वियर सॉक्स, शूज, स्लीपर, सैंडल्स एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ पहले पहनते हो आप। ऑन माई फीट, हम पैर में सॉक्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, स्लीपर, सैंडल्स, ओके, और आप जो पहनते हो आप उसमें ऐड कर सकते हो, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, हम रिवर कैसे क्रॉस करते हैं, देखो इस पोइम में इन्होंने तो रिवर ऐसे क्रॉस की बट ये कोई क्रॉस ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। हम लोग रिवर कैसे क्रॉस करते हैं, हम लोग तो बोट में बैठकर रिवर क्रॉस कर लेते हैं, तो हम आंसर लिख देंगे आई वुड क्रॉस अ रिवर विद द हेल्प ऑफ अ बोट, बोट यानी नाव। ओके, आगे क्या है देखो, पुट दीज डूइंग वर्ड्स इन टू द सेंटेंसेस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इस पोइम में यूज़ किए गए हैं, जंप यानी कि जंप करके आता है ना वो शूज़ पानी उसके ऊपर, स्ट्रॉ के ऊपर, फिर शूक, जो बबल था ना वो हंस रहा था, है ना, शूक एंड शूक घूमते हुए वह हंस रहा था, एंड स्ट्रेच फैला लिया था, बस्ट यानी फटना, तो द स्ट्रॉ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, स्ट्रॉ ने स्ट्रेस्ड किया था ना खुद को, वह स्ट्रेस्ड हो गई थी, तो स्ट्रॉ स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, द शू ब्लैंक ऑन द स्ट्रॉ, तो हम इसमें कर देंगे जंप, द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, यहाँ ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हमें इन फिलअप्स में फिल करना है, तो ये मैंने यहाँ कर दिया है, आप अपनी बुक में इसको देख करके फिल कर लेना। ओके, पहले आप ट्राई करना स्टोरी रीड करके अपने से सेल्फ से, फिर आप इसमें से देख के कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द बबल शू कैन शू विथ लाफ्टर द बस्ट विथ अ बिग बैंग, जब बबल ने देखा कि शू पानी में छपाक से गिर गया तो वो उसको देख कर वह घूम घूम करके हंसने लगा, और हंसने लगा तो वह फट गया। ओके, तो इस तरह से तीनों ही फ्रेंड्स गोल हो गए, ठीक है। अब क्या है, ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टैडपॉल, देखो ये एक टैडपॉल है, अब टैडपॉल की जर्नी बता रहे हैं हम, कैसे एक टैडपॉल से फ्रॉग बन जाता है, टैडपॉल होता है फ्रॉग का लार्वा, ठीक है। देखो ये जाएगा टैडपॉल, यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते 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 ये इधर आ गया, अब यहाँ बन गया आई एम अ फ्रॉग नाउ, अब ये फ्रॉग बन गया, ठीक है, ये यहाँ फ्रॉग बैठा हुआ है, ठीक है। पहले ये फ्रॉग एक लार्वा था, इसको बोलेंगे पडल, पी यू डबल डी एल ई,
ये हल्का फुल्का छोड़ा पानी का एरिया है इसमें पडल, फिर एक पौंड आ गया, तालाब आ गया, पौंड में तालाब, तो ये टैडपोल इधर से पहले पौंड में आया, पौंड से फिर ये लेक में आया, ये नदी है तो ये नदी में आया, इसके बाद रिवर में आ गया, तो रिवर में आकर के ये पूरा फ्रॉग बन गया। ओके, अब ये बोल रहा है आई एम फ्रॉग नाउ, अब मैं फ्रॉग बन गया हूँ, तो ये टैडपोल से फ्रॉग बन गया। ठीक है, अब देखो ड्रॉ द बबल ड्रेस एंड से द लेटर्स लाउड, ये बबल ऐसे बनाते हैं ना, ये इसमें लिक्विड वाटर रहता है, फिर ये एयर में बनाते हैं, तो ये क्या है बबल ड्रॉ करना है, देखो हम करते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइंस हैं, इनको हम मैच कर देते हैं सिंपल, ये क्या बन गया ए, ये क्या बन गया सी, इनको स्लोली स्लोली मैच करना है, ये हमारा हो गया बी, ये क्या है एफ, ये देखो ये हो गया ए, स्मॉल लेटर का ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया एफ, ये ई, ये डी, ये जी एंड एच, हम इनको कर देते हैं ई, ई फॉर एलिफेंट, डी, डी फॉर डॉग, एच, एच फॉर हैन, एंड जी, जी फॉर गन, और जी फॉर गॉट भी होता है, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग। ओके, तो ये बन गया, ये अल्फ़ाबेट्स हो गए स्मॉल लेटर्स के, ए बी सी डी ई एफ एंड ये जी एच और आई और जे, ए टू जेड तक ये ए बी सी डी हो गए हमारे। अब ये देखो एक पोइम है, ये सिंग करते हैं, होप अ लिटिल जंप अ लिटिल वन टू थ्री, रन अ लिटिल स्किप अ लिटिल टैप वन नी, बैंड अ लिटिल स्ट्रेच अ लिटिल नॉड योर हेड, यान अ लिटिल स्लीप अ लिटिल ऑन योर बेड। ओके, आगे देखो क्या है, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स नाउ ट्रेस द नंबर्स, ये हम बॉल्स को काउंट करें कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 बॉल है, तो यहाँ पर 7 ये रहा, तो हम इसको यहाँ पर डॉट डॉट लाइन को मिला देंगे और 7 बना दिया, और फिर हम इसको इससे मैच कर देंगे, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने यहाँ 8 को स्ट्रेच किया, ये हमने टोटल मिला दिया और ये मैच किया हुआ है। ठीक है, आगे क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 9, हमने यहाँ 9 को ड्रॉ किया और इसको मैच कर दिया। ओके, ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 को काउंट किया, इसको डॉट डॉट लाइन को मिला दिया, ये हमने इसको मैच कर दिया। ठीक है, ये 8 है, ठीक है, ये 10 है, ये 7 है, ये 9 है, ये होगी हमारी एक्सरसाइज। लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। ओके, विच वन विल सिंक, इसमें से क्या है, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, यदि हम एक टब में वाटर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, से विच वन विल फ्लोट, इसमें से कौन से चीज़ें तैरेंगी और कौन से सिंक यानी डूब जाएंगी। तो हम यदि वाटर लेते हैं एक टब में, तो देखो ये रिबन है, पहले तो देखो फैदर उड़ता रहेगा, ओके, ये तैरेगा उसके ऊपर, ये लीफ भी तैरेगी, ये स्टोन बहुत हैवी होता है, ये इसमें डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, देखो वाटर में क्या होता है, जो लाइट चीज़ होती है ना वो ऊपर तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है, जो हैवी होती है वो डूब जाती है, तो हम जानते हैं कि स्टोन बहुत हैवी होता है, शूज़ भी बहुत हैवी होता है, अभी देखा ना आपने स्टोरी में, शूज़ डूब गया तो शूज़ भी सिंक हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉ लाइट होती है तो स्ट्रॉ
तैरती रहेगी, पेपर भी तैरता रहेगा, स्टिक भी तैरती है, लकड़ी तैरती रहती है, बोट लकड़ी की होती है ना तो वो तैरती रहती है। ओके मार्बल, ये स्टोन है आई थिंक, मार्बल का पत्थर है, ये भी सिंक हो जाएगा। रिबन, रिबन भी आई थिंक तैरेगा, लाइट होता है ये। ओके और एक टाइम के बाद जब ये गीला हो जाएगा पूरा तो ये भी सिंक हो जाएगा। ठीक है अब देखो आगे क्या है, ये क्या है, ड्रॉ द वेल कलर इट एंड से द राइम अलाउड। ये देखो ये अभी हम जो किया ना अभी ये एक्सरसाइज थी, ये इसमें से कौन सी चीज़ें तैरेंगी, कौन सी चीज़ें सिंक हो जाएंगी, ये हम कर सकते हैं घर में। तो आप अपनी मम्मा के साथ में, अकेले मत करना, किसी के साथ में एक टब में पानी लेना और उसमें आप ये सब आइटम्स, आपके पास जो ऑब्जेक्ट हो आप उसमें वो डाल करके ट्राई करना, इसमें से कौन से सिंक रहती हैं और कौन सी फ्लोट करते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जो जिस लाइट होती हैं वो तैरती रहती हैं, जो हैवी होती हैं वो सिंक हो जाती हैं। ओके अब क्या है, ये क्या है, ये एक वेल है, कुआ। ठीक है ड्रॉ द वेल कलर इट एंड से द राइम अलाउड, ये बोल रहे हैं इसको ड्रॉ करो। ठीक है हम इसको डॉट डॉट लाइन को मिला देते हैं, ये एक कुआ है। ठीक है तो इसको आप ड्रॉ करो, इसमें कलर करना और एक स्टोरी है इसमें पोएम, वो आप लाउडली बोलना। ओके उसको आपको लाउडली स्पीक करना है, ये हमारा वेल है। ओके आप इसमें कलर करना, आपको जो भी कलर करने हो अच्छे से अच्छे से। ठीक है अब इसके बाद ये क्या है, अब बेल फेल इन द वेल डिंग डोंग बेल। ओके इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसमें कलर करना, आपको जो भी कलर करना हो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। ठीक है मैं यदि पूरे में कलर करूँ तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वन करके दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा। तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद हो, आपको जैसा भी ये वेल बनाना हो वैसा आप पसंद से बना सकते हो। ओके ठीक है तो आप पहले अपनी ड्राइंग बुक में इसको बनाना, फिर आप उसमें कलर करना। ठीक है ओके।